हेलो फ्रेंड्स, अन्नपूर्णा रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पनीर सूरमा। बिल्कुल ऐसा पनीर सूरमा बनाएंगे हम। ऐसा पनीर सूरमा बनाने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये देखिए, ये हमने पनीर सूरमा के लिए जो सामान ले लिया है, थोड़ा सा हमने धनिया लिया है कटा हुआ बारीक हरा धनिया, अदरक के 2 टुकड़े, लहसुन हमने काफ़ी सारा लिया है, 2 हमने मीडियम साइज़ के बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, थोड़ा सा हमने हरा प्याज लिया है, एक को बारीक बारीक काट लिया हमने, 2 हमने टमाटर लिए बड़े, इनको हमने काट लिए हैं, मक्खन हमने घर पे तैयार किया हुआ है, चीज़ लिया है हमने इसमें डालने के लिए, 250 ग्राम हमने पनीर ले लिया है, ये हमने पालक ली है, पालक हमारी 1 कप पालक हो जाएगी, इसे हमने एकदम बारीक बारीक कट किया है, जो हमारे टमाटर थे उसको हमने पीस कर एकदम ग्रेवी बना ली है इसकी। ये देखिए, इसे पीस कर डालो तो टमाटर इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और जो लहसुन और अदरक है हमारा, इसे हम कूट कर एकदम पेस्ट बना लेंगे इसका बारीक। ये जो हमने अदरक के 2 टुकड़े रखे वो भी डाल देंगे, इन्हें हमें बारीक कूट लेना है, एकदम अच्छे से बारीक पेस्ट बनाना है इसका। यह अदरक और लहसुन का पेस्ट तैयार है। थोड़ी सी हमने हरी मिर्ची ली है, 4-5 बारीक काटी एकदम, फ्राई पैन रख दिया हमने गैस पे, इसमें हम डाल देंगे घी, देसी घी डालेंगे हम, आप चाहे तो बटर में भी बना सकते हो, मैं घी में ही फ्राई करती हूँ, मुझे पनीर सूरमा जब घी में बनाना अच्छा लगता है, इसका टेस्ट अच्छा लगता है घी में बनाओ तो। हम घी बिल्कुल थोड़ा सा ही डाल रहे हैं, घी हमारा गर्म हो चुका है, हमें ज़्यादा नहीं गर्म करना होता है घी को, सबसे पहले हम कटा हुआ प्याज डालेंगे बारीक, हल्का ब्राउन करेंगे हम प्याज को, जो हमारी हरी मिर्ची कट करके रखी वो भी डाल देंगे, मिर्ची को थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे हम, हल्का सा पका लेंगे। इसमें जो हम तड़के के लिए जो भी चीज़ें डालते हैं, इनको हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना होता है पनीर सूरमा में, ये लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाल दिया हमने, इसे भी थोड़ी देर पका लेंगे हम, ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन चले जाए। ये देखिए, हमें लहसुन और अदरक भी एकदम अच्छे से फ्राई हो गए घी में, जो टमाटर के हमने ग्रेवी बना के रखी है, ये देखिए, अब हम डालेंगे पालक, हरा कटा हुआ प्याज, बटर, इसलिए हमने घी कम डाला था क्योंकि हमें बटर डालना होता है इसमें, बटर से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, आप भी ज़रूर डालिए। और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिख के बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जो भी नया वीडियो डालूँ आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचा सकूँ। ये देखिए, अब हम डालेंगे सूखे मसाले, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, गरम मसाला, गरम मसाला हमें बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, नमक हमें स्वाद अनुसार डालना है, हमने नमक डाल दिया है, अब हमने जो सूखे मसाले डाले तो इनको भी अच्छे से फ्राई करेंगे घी में, थोड़ी देर अच्छे से पका लेंगे इनको, अब हम डालेंगे चीज़,
हमने अमूल का चीज़ लिया है, आप जितना ज़्यादा डालोगे उतना हमारा पनीर सुरमा टेस्टी बनता है। ये देखिए मैं कद्दूकस करके डाल रही हूँ चीज़ को, ताकि वह चीज़ जल्दी से घुल जाए अंदर। ये देखिए हमने चीज़ डाल दी है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो हमारा पनीर रखा हुआ है हमने वो डाल देंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पनीर को मैंने हाथ से ऐसे चूरा कर दिया था, हाथ से मसल कर। पनीर को हमने कद्दूकस नहीं किया था, कि वैसे ही हमें पनीर सुरमा बनाते हैं तो इसमें ऐसा ही पनीर चाहिए टूटा हुआ एकदम, इसलिए मैंने हाथ से ही तोड़ा था इसको। अब हम मैशर से थोड़ा सा मैश कर लेंगे इसको। ताकि हमारे जो हमने पालक वगैरह डाले वो थोड़ा सा अच्छे से घुल जाए अंदर। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है हमारा पनीर सुरमा। ये खाने में देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। ये आधे धनिया की पत्ती जो हमने काट के रखी थी, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप भी घर पे जरूर ट्राई करके देखिए, बहुत ही अच्छा बनता है ये पनीर सुरमा। जो सूजी से पेपर बनाते हैं उससे भी, उसके साथ खाओ तो भी अच्छा लगता है, गेहूँ की रोटी के साथ भी अच्छा लगता है, और आप चाहो तो चावल की रोटी के साथ भी खा सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। हमने आधा कप पानी डाला है इसमें। अब हम 5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे ढक्कन लगाकर। ये देखिए ये हमारा पनीर सुरमा तैयार है, बहुत ही अच्छा बना है, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है।